मोहतरम मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क़ब्ल इसके कि अपनी तरफ से सिलसिले हमदनात का आगाज करने की सआदत पाऊँ, बड़ी मुद्दवाना गुजारिश है मेरे उन भाइयों से जो खड़े हैं और बिला ज़रूरत खड़े, उन्हें चाहिए कि वो महफिल का लिहाज रखते हुए तशरीफ़ फरमाएं। गैर ज़रूरी तौर पे जो खड़े हैं मेरे प्यारे बच्चों, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं बड़ी सलीस उर्दू में बात कर रहा हूँ, काश आप सुन भी लें। दूसरी बात यह है कि इस जिक्र का अदब बजा लाए। अदब बहुत लाजमी चीज है, इसके बगैर बात नहीं बनती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा, हमने आपको भेजा। इन्ना अरसलना का, हमने आपको भेजा, शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा, शाहिद बनाकर हाजिर नाजिर, खुशखबरी देता और डर सुनाने वाला। या अल्लाह क्यों भेजा? इसकी अगली आयत में अल्लाह जवाब फरमाता है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ऐ लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। और क्या करें मौला, और मकसद भेजने का? एक मकसद तो ये कि ईमान लाए अल्लाह उसके रसूल पर। और आगे अल्लाह वतुअज़्ज़िरूहु वतुअक़्रूहु वतुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, ईमान लाओ और जिसको मैंने भेजा है ना उसकी ताज़ीम और तौक़ीर बजा लाओ। तो मौला तेरी तस्बीह कब करें? वह तस्बीह बाद में। वतुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, ये क्या है? बाद में। यानी कि अगर तुम मेरे महबूब की ताज़ीम और तौक़ीर नहीं करोगे, मैं तुम्हारी तस्बीहें रद्द कर दूंगा, तुम्हारी कोई तस्बीह मुझे नहीं चाहिए। तस्बीहात मेरी पाकी बयान करना, मैं उसी की कबूल करूंगा जो मेरे महबूब की ताज़ीम और तौक़ीर करेगा। यह है कुरान। मैंने कुरान सुनाया ना, कहीं घर की बात तो नहीं की? तो अब इस आयत की ज़िम्न में अब बंदा गौर करे कि मैं कहाँ आया हूँ और मुझे कैसे बैठना है, मुझे क्या यहाँ पर मोबाइल फ़ोन को हाथ में लेकर इसको मैसेज उसको मैसेज ये करना है? करना है नहीं ना, बैठ। तो देखो, जितनी तवज्जो करोगे ना उतना ही इंशाल्लाह आपको, आप देखेंगे कि इस महफिल का एक आपको करंट नसीब होगा। उम्मीद है कि अब समझ गए हैं में, और बार 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 कहना अच्छा चल। अल्लाह ताला मुझे और आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र का बेपनाह अदब नसीब फरमाए। बड़ी मोहब्बत से बाआवाज़ बुलंद ज़ोक़ो शौक़ के साथ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या थे तो कुछ न था, जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है
जहान है, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब।